अमीश जी, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। और एक खास दरखास्त, खास करके अपने भाजपा के प्रवक्ता से, कि मुझे ना टोकें। मैंने इनको नहीं टोका, ये मुझे लगता है ये इज्जत वो जरूर बख्शेंगे। पहली बात, दंगा तंत्र और भीड़ तंत्र के ये जो रात के अंधेरे में बुजदिल हमारे लोकतंत्र और प्रजातंत्र को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, इनको कानून के डंडे से, कानून की किताब से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पर्दाफाश होना चाहिए। दूसरा, आज मैं कांग्रेस और वर्सेस भाजपा नहीं करना चाहिए चाहता था, पर भाजपा के प्रवक्ता ने किया। आपने डिबेट पे कहा कि कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार है, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दंगे की चिंगारी लगाने वाले भाजपा के समर्थक, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक, प्रचारक हैं, जिनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये दंगे की आग लगाने वाले दंगइयों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपके चैनल पे ये जो व्यक्ति है नवीन, मैं उम्मीद करता हूं आप दिखाएंगे, इनका फेसबुक पोस्ट है कि मैं दिल से भाजपा के साथ हूं, आज बारिश जरूर हो रही है पर कमल का फूल फिर भी खिलेगा। दूसरा, इनका पोस्ट है कि मैं इस बात पे गर्व करता हूं कि मेरी वोट भाजपा के लिए है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए है। तो वो रिश्ते से तो कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार जरूर हैं, दिल तन मन से भाजपा के समर्थक हैं। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, आप कह रहे हैं कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस विधायक का रिश्तेदार जरूर होगा लेकिन ये भाजपा का समर्थक है, इसलिए अगर अगर इसको जान से भी मार दिया जाता तो हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। दूसरा, आप देखिए, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं। आप, मैंने आपको पहले शुरू किया था, जो भीड़ तंत्र के कायर लोग हैं, रात के अंधेरे में करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और अब डिबेट में जो आपने प्रश्न उठाया, नहीं जो तो फिर, ये बंगलुरु का, सुनिए धैर्य रखिए, बंगलुरु में जो दंगे हुए, इन कायरों बुजदिलों ने जो अपने कानून हाथ में लिया, वो भाजपा सरकार के शासन काल की कमजोर कानूनी व्यवस्था का जीता जागता सबूत है। न्यूज 18 की पे ही बयान चला सीटी रवि, कर्नाटक के मिनिस्टर का, उन्होंने कहा ये एक प्लैंड षड्यंत्र था, दिस वॉज अ प्लैंड अटैक, के 300 गाड़ियां चल गई। अगर ये प्लैंड अटैक है, जो मैं भी मानता हूं, तो क्या पुलिस रात को हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? 3 घंटे लग गए पुलिस को उस गुनेगार पे जिसने पोस्ट डाला FIR करने पे। तीसरा, आज अगर विधायक का घर सुरक्षित नहीं है तो बाकी कर्नाटक वासी तो सोच रहे होंगे कि हम भाजपा सरकार पे अपनी सुरक्षा के लिए। जरा विधायक को भी सुनिए, विधायक क्या कह रहा है। विधायक की बाइट प्ले करिए, रुकिए यही, विधायक की बाइट प्ले करिए, विधायक की बाइट प्ले करिए, प्ले दैट बाइट। जरा 3,000 का ऊपर आदमी आपको, जरा पेट्रोल बम, पेट्रोल टायर्स और लांग वो सभी लेकर आपको घर में आग रखो है। ऐसा एक MLA को करे तो, फिर MLA को करे तो दूसरा को क्या कर सकता है। करको पेट्रोल बम थे, पूरी प्लानिंग थी। जयवीर शेरगिल, तो जिन्होंने पेट्रोल बम चलाए उनकी भी थोड़ी मजम्मत कर लीजिए। बीजेपी सरकार की अगर मजम्मत हो गई हो, और नवीन क्योंकि बीजेपी के साथ रिलेटेड था इसीलिए आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं पूरे मामले से। एक मिनट अमीश जी, साहस है छाती ठोक के सत्य कहने का। आप शायद शो में आज कुछ आपके तेवर बदले लग रहे हैं। जयवीर शेरगिल बार बार बोल रहा है कि रात के अंधेरे में जो कायरों ने हमला किया है इनको सजा दी जाए। जयवीर शेरगिल बोल रहा है MLA के साथ अगर ये हो सकता है, आम लोगों का क्या हाल होगा। सीटी रवि अगर कह रहा है प्लैंड अटैक था, तो जब जब दंगा होता है त्वरित कार्रवाई करने के बजाय भाजपा शासन काल हमेशा बेबसी और लाचारी का क्यों पड़ता है। मैं तो काम करने आया था, जब आपकी पत्रकारिता पे तो इन रिपोर्ट, सुनिए गौरव, मुझे 30 सेकंड दीजिए। न्यूज 18 की रिपोर्ट है और मैं आपको सलाम करता हूं, मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया था 4 अप्रैल 2019 को कि भाजपा के राज में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। न्यूज 18, अमीश देवगन ने पर्दाफाश किया था, कहा था फैक्ट चेक कीजिए, जागिए, जब से आप आए हैं 2018 तक 900 से बड़े